अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद हादी और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि तीतर का जोड़ा लगाने का क्या तरीका है। तो अक्सर ये होता है कि आप एक नर को परचेस कर लेते हैं और आप एक मादी को परचेस कर लेते हैं, लेकिन जब आप उन्हें साथ में खोल लेते हैं तो नर मादी को मारते हैं, बहुत ख़राब ख़राब मारते हैं, और उससे मादी ज़ख्मी हो जाती है। फिर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इससे बचने का तरीका बताऊँगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि आपको हर बात पे आसानी से समझ आए। और ये जो तरीका है ये बहुत ही कामयाब तरीका है, इससे 100% आपका जोड़ा लग जाएगा आपकी तीतर का। तो ये तरीका जो है, आपने ये करना है कि अगर आपका आपका जो नर है वो आपकी मादी को मारे, तो आपने नर को एक सिंगल पिंजरे में रख लेना है, और सिंगल पिंजरे में सिंगल पिंजरे को आपने एक बड़े से पिंजरे में मेरे के बीच में रख लेना है, कि वो जो है कि वो उधर ही लेफ्ट राइट देख सके। वो जो बड़ा पिंजरा है उसमें आपने मादी को खुला छोड़ देना है। तो उससे आपने ये पूरा सुबह से ले तक शाम तक आपने ये करना है। नर को आपने छोटे से सिंगल पिंजरे में आपने सिंगल पिंजरे में डाल के उस बड़े पिंजरे में के बीच में रख लेना है, और आपने उस बड़े पिंजरे में मादी को खुला छोड़ देना है कि वो फिरे फिरे कहाँ भी जाना चाहे तो जा सके। तो ये, और जब आपने इनको खुराक देनी हो ना, तो आपने खुराक नर के पिंजरे के नज़दीक देनी हो कि वो दोनों मिल के खा सकें, और इसी तरह ऐसा ऐसा उनकी जोड़ी लग जाएगी। और वो जब आप उन्हें ये आपने एक हफ्ते के लिए ये आपने करना है, तो ये जब आप करेंगे तो इससे आपका एक हफ्ते के बाद आपने फिर उस बड़े पिंजरे में नर को खोल लेना है, तो वो इंशाल्लाह एक हफ्ते तक वो आपकी जोड़ी लगी होगी। अगर थोड़ा बहुत भी हल्का पुल्का मारे तो उससे नहीं होता कुछ, वो शुरू में वैसे भी नर मादी के साथ हल्का पुल्का करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मारे तो फिर आप ये तरीका आजमाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा कि मैं आपके लिए या और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं कि आपके लिए तीतर रखना आसान हो, और भी परिंदे। तो खुदा हाफिज़।